तरह जो है अंबिया के हालात को देखे, सलफ के हालात को देखे, उससे सुकून मिलेगा। वाकयात पर नज़र रखे कि मैं ही नहीं हूँ कहीं ऐसी मुसीबत, क्या आदमी सोचता है कि सारी मुसीबत क्या मेरे ऊपर ही देनी थी, अल्लाह ने सब मुसीबत मुझे ही दे दी। देखो पड़ोसी कुछ नहीं करता तो भी देखो मैं तो नमाजी हूँ, मैं तो फला हूँ, लोगों को देता हूँ, उसके बाद भी मेरे पास मुसीबत। तो वो अंबिया के वाक़ात को देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, उनकी ज़िंदगी बचपन ही से उनको जो है कुएं में डाल दिया, वहाँ फेंक दिया, फिर एक कौम आई उनको उठा के ले गई, बेच दिया, उसके बाद में जवान हुए तो उनको जेल में डाल दिया, उसके बाद इतनी मुसीबतें रही, यानी उसके बाद फिर जाके बाहर निकले और फिर तो उनके बाद मुसीबत है। याकूब अलैहिस्सलाम उनके वालिद थे, वो उनके बेटे के गम में रो रो के उनकी आंखें अंधे हो गए। वो तो अंबिया अलैहिस्सलाम उनके बाप वो तक जो है इसके अंदर, तो उनको भी आजमाया जाता है, उनके अंदर भी ये तब मुसीबतें, अल्लाह ने पैदा ही ऐसा किया इंसान का होकर उसके अंदर मुसीबत तकलीफ उसके साथ में होना है। और अल्लाह के रसूल सल्लम को उनकी ज़िंदगी को देखें, अल्लाह के रसूल कितने तरह के कि कितने वाक़ात मिलते कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती कि हमारी यहाँ महीनों तो चूल्हा ही नहीं जलता था, फाके की ज़िंदगी थी, कैसे गुजारते थे सहाबा पूछते कैसे गुजारते, दो काली चीज़ों पर, पानी पर और खजूर पर हम खा के ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाह के रसूल सल्लम जो है रोटी नहीं बनाते थे क्योंकि आटा इतना कम होता था कि उससे रोटी बनाए तो वो सूख जाता है, सीधी सी बात है, गीला रहेगा तो ज़्यादा पेट भराएगा, तो उसको जो है पानी सत्तू जैसे घोल कर आटे को रोक पी जाते थे, ये लोई बनाकर उसकी निगल लेते थे, उससे पेट भराएगा क्योंकि उसकी रोटी बना देंगे तो उसका वजन खत्म हो जाएगा। तो ये उनके पास में, तो वो ये वाक़यात पर नज़र देखे तो उसके दिल को सुकून आएगा, तब उसको सुकून मिलेगा, इन चीज़ों को वो देखेगा कि अल्लाह के रसूल के भाई मेरे औलाद की मौत हो गई, अल्लाह के रसूल सल्लम के बेटों की वफ़ात उनके हाथों में, तो वो उस पर नज़र रखे। तो ये सब देखेगा कि ये तो इतने मुत्तकी परहेजगार थे, इस पर मुसीबतें थी, तो फिर मैं क्या हूँ, मेरी तो हैसियत क्या, मेरी तो औकात क्या, तो मेरे पास में भी रहना है। तो इंसान ये जब देखेगा तो उसको सुकून आएगा। सहाबा की ज़िंदगी को देखें कि ये तब उसको सुकून आएगा। तो इस कुरान में वाक़यात बताए तो इसलिए हमारे पास वाक़यात है, खाली सुनाने के लिए नहीं बताएगा, आप जो सुनाओ इस स्टोरी है इसके अंदर नसीहत उससे माजिल करके देखो इन पर भी मुसीबतें थी, तो हमारी मुसीबत तो इनके मुकाबले में कुछ भी नहीं, बल्कि ये इतने मुत्तकी परहेज़गार थे तो उसको सुकून मिलेगा।